हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ क्लैश रॉयल गाइस। आज हमारे साथ है बॉयज द वन एंड ओनली किंग भव्यर। किंग भव्य गाइस टॉप 1000 इन द वर्ल्ड राइट नाउ, बहुत ही ज्यादा अच्छी थ्री मस्केटर खेलते हैं विद बैंडिट, रॉयल गोस्ट, एलीट बाब्स गाइस, जिसका अभी हम क्लैश रॉयल नहीं बोलेंगे, अभी हम ई बाब्स रॉयल बोलेंगे। भाई पूरे गेम में एलीट बार्बेरियंस भरे पड़े हैं, आप लोग हर डेक में डाल सकते हो और ये डेक भी उसके बिना अधूरी है, बहुत तगड़े काम करते हैं विद पंप गाइस फायरबॉल बेट के लिए, ताकि हमारी थ्री अच्छे से काम कर पाए। और हमने बाप बैरल लिया है एज ए स्मॉल स्पेल गाइस, ताकि हम बाप बैरल, गोब्लिन बैरल, स्केल्टन बैरल्स वगैरह को काउंटर कर पाए, या फिर उसकी जो भी स्वॉर्म टूल्स है उसको काउंटर कर पाए। यहां पर हमारे पास हील स्पिरिट सारी चीजों को हील करने के लिए, और हमारे पास गाइस आइस गोलम ताकि हम सारी चीजों को काइट कर पाए। तो ये डेक बहुत ज्यादा बैलेंस्ड और बहुत ज्यादा अच्छी डेक है, मैं आपके लिए लेके आया रिप्लेस और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलते हैं सीधा टिप्स एंड ट्रिक्स में और बताता हूं मैं इस डेक के साथ खेल के आप किस तरीके से पूरी लैडर को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। गाइस टॉप 1000 इन द वर्ल्ड, टॉप 5 इन इंडिया, बहुत ही अच्छा अभी कर रहे किंग भव्य, और चलते सीधा रिप्लेस में और देखते हैं कि हम भव्य कैसे खेलते हैं। तो चलते हैं बॉयज अपने फर्स्ट रिप्ले में, और फर्स्ट रिप्ले है अगेंस्ट लूको सीआर, और लूको सीआर खेल रहे हैं बॉयज गोलम विथ मिनी पेका, बेबी ड्रैगन, इलेक्ट्रोविजन गाइस, एक हार्ड काउंटर हमारा लाइटनिंग गाइस। लाइटनिंग बहुत हमें दिक्कत दे सकता है, यहां पर हमने फर्स्ट प्ले कर दिया बैंडिट के साथ में। तो गाइस आप इस डेक में एग्रेसिव भी खेल सकते हो, क्योंकि हमारे पास काफी अच्छे ब्रिज स्पैम्स कार्ड है, जैसे कि हो गया हमारे रॉयल गोस्ट, बैंडिट, ई बब्स, आइस गोलम, इन सबके साथ हिल स्पिरिट, इन सबके पास ये जो है हमारे साइकिल कार्ड से, तो बहुत ज्यादा हैवी डेक नहीं कहूंगा इसमें, इसे काफी ज्यादा बैलेंस देख कहूंगा। यहां पर हमारे रॉयल गोस्ट अभी फिलहाल तो हमें मिनी पेका हिट देते हुए, यहां पर जो है हम 22 गोलम यूज ले लेंगे ताकि हम इस मिनी पेका को काइट कर लो। काफी अच्छी आइस गोलम प्लेसमेंट गाइस, देख सकते हो कितना प्यारे तरीके से काइट किया यहां पर, और आई जो है अपना मिनी पेका जो है पूरी तरीके से काइट हो गया लेफ्ट हैंड लेन में। यहां पर हमने बैंडिट चले करके रखी, बैंडिट से हम शायद जो है बेबी ड्रैगन को काइट कर लेंगे। यहां पर काफी अच्छा काइट गाइस, आप ये वाले प्रो प्ले सीख सकते हो इन गेम प्ले से, आप नोटिस कर सकते हो किस तरीके से जो है हमारे किंग भव्य चीजों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ देयर ट्रूप्स। यहां पर हम शायद काफी अच्छा बाबर अपोनेंट ने लाइटनिंग कर दी, हालांकि हमारे जो है पंप के ऊपर, बट क्या ही बाबरल से हम फर्नेस को इजिली काउंटर कर लेंगे। तो दो पे चार लिक्जर हमारे लिए पॉजिटिव एलिक्जर ट्रेड है, हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पर हमें लिक्जर में भी आ गए थे आप देख सकते हो। उसके बाद जो है किंग भव्य चले गए हैं अपने रॉयल गोस्ट के साथ में, अपोनेंट ने काउंटर कर लिया उसे अपने स्केलेटन्स के साथ में। हमारी हिल स्पिरिट जा रही है, अगर हिल स्पिरिट करेक्ट हो जाती तो हमारा जो है रॉयल गोस्ट सील अप हो जाता, बट अपोनेंट ने यूज कर लिया अपना ईविज, हम अपनी बैंडिट यूज कर लेंगे। और बैंडिट की प्लेसमेंट देखना गाइस, डैश होकर जो है ईविज को एक ही शॉट में खत्म कर देगी विद हेड ऑफ प्रिंसेस टावर। यहां पर जो है बैंडिट जा रही, काफी सही अपोनेंट ने मिनी पेका से काउंट कर लिया। हम फिर से मिनी पेका को काइट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आइस गोलम, जो कि हमने सेलेक्ट करके रखा। और बॉयज आप देख लो क्या ही काइट चल रहा है, क्या ही प्ले दिखा रहे किंग भव्य, मेरे को पर्सनली इंजॉय करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। यहाँ पर अपोनेंट ने लॉक साइकिल कर दिया, हमने यूज कर दिया अपना रॉयल गोस्ट। तो गाइस हमने राइट साइड में पंप जानबूझ कर डाला, ताकि अगर अपोनेंट यूज ले ले लाइटनिंग तब भी हमें कोई फर्क ना पड़े। यहाँ पर अपोनेंट ने इस बार स्केलेटन यूज लिया, हमने यूज ले लिया अपनी हील स्पिरिट, और यहाँ पर ईविज यूज लिया लेट। बट गाइस हमारा पुश काफी ज्यादा हैवी, अपोनेंट के पास एलिक्जर नहीं, उसने अपना जो है मिनी पेका सेलेक्ट करके रखा है, बट आप देख सकते हो अपोनेंट के पास एलिक्जर नहीं था, हमने कितनी ज्यादा अच्छी तरीके से उसका यूज उठाया, क्योंकि गाइस वो हमेशा लाइटनिंग कर रहा है हमारे पंप के ऊपर, वहां हमें बेनिफिट मिल रहा है और वो एलिक्जर में भी पीछे जा रहा है और हमें उससे फायदा हो रहा है। और यहां पर हमने यूज लिया अपना रॉयल गोस्ट, ताकि हम इजीली काउंटर कर ले उसकी मिनी पेका को। अब जो है अपोनेंट ने यूज कर दिया अपना गोलम, हमारा जो है अपना आ रहा है गोलम, और गाइस हमारा रॉयल गोस्ट थोड़े से हिट्स ले रहा है, बट वो इनफ नहीं होंगे। तो यहां हमने यूज ले लिए बॉयज थ्री मस्किटेट्स इन द सेम लेन, ताकि अगर अपोनेंट लाइटनिंग भी करे तो सबको एक साथ लाइटनिंग ना कर पाए और हम गोलम को इजिली काउंटर कर ले। तो कौन कहता है बॉयज कि आपको थ्री मस्किटेट हमेशा स्प्लिट करने की जरूरत है। यहां पर थ्री मस्किटेट प्रो प्लेयर बोल रहे कि नहीं, आप जो है सेम लेन में भी स्प्लिट कर सकते हो। यहां पर अपोनेंट के पास सिर्फ लाइटनिंग थी, वो यूज ले चुका है, अब अपोनेंट को थ्री मस्किटेट के साथ डील करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। यहां हमने यूज ले लिया अपना आइस गोलम, लेफ्ट हैंड साइड में ही बाप जा रहे हैं, आप जो अपोनेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा बॉयज यहाँ पर इस पुश को डिफेंड करना। लेफ्ट हैंड साइड में ही बाब्स ने पूरी तरीके से मिनी पेका को खा लिया, राइट हैंड साइड में बेबी ड्रैगन, तो एकदम टाटा बाबे फिनिश हो गया। और दैट्स से जी मस्किटियर्स, बारबेरियन बैरल, सारी चीजें टावर पे, एंड दैट्स से जी परफेक्टली बैलेंस्ड है। क्या ही खेले किंग भव्य, एक हार्ड काउंटर को, वो भी गोलम, बस गोलम को हराते तो बहुत मजा आता है, इंटरनल सेटिस्फेक्शन, और क्या ही हराया, मजा गया गाइस। थ्री मस्केटर को बफ मिला था, लेकिन ये ऐसा कार्ड है अभी भी बहुत ज्यादा लोग इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। बात करते हैं अगली वीडियो में, अगली
गेम प्ले में चलते हैं। तो चलते हैं बॉयज अपने सेकंड रिप्ले में। सेकंड रिप्ले अगेंस्ट 4-3-CM, 4-3-CM, और ये खेल रहे बॉयज पेका ब्रिज पैम, और हम भी एक ब्रिज पैम वेरियंट खेल रहे हैं, बट ये वाला हमारे लिए फिर से एक दिक्कत भरा मैच है, क्योंकि इनके पास है पॉइजन, इनके पास है डार्क प्रिंस, स्प्लैश डैमेज के दो कार्ड से विद द हेल्प ऑफ मैजिक आर्चर, मैजिक आर्चर को मारने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो इस मैच में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। किंग भव्य आपको ऊपर के साइड दिख रहे हैं, और जो गाइस मैं बात कर रहा था कि लास्ट जो है बैलेंस चेंजेस में 3 मस्केटियर्स को पफ मिला था, लेकिन गाइस ये एक ऐसा कार्ड है जो पफ होने के बाद भी इतना ज्यादा मेटा में नहीं देखने को मिला है। इस चीज से मैं पर्सनली बहुत ज्यादा खफा हूँ, थोड़ा सा दुख है मुझे, क्योंकि मैं भी अपने 3 मस्केटियर्स पफ जो है मैं सर्व करके रखे, बट गाइस बहुत ज्यादा मेटा डेक्स नहीं आई है इनकी, बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं लेडर पे, उसका भी परसेंटेज भी कम है। मेरे हिसाब से गाइस आप रिप्लेस देख सकते, खुद जज कर सकते हो कि कितनी पावरफुल है 3 मस्केटियर्स अगर आप उसे यूज लोगे लेडर पे और बहुत ज्यादा अच्छे से खेलोगे। तो यहाँ पर किंग भवि से आप बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी ले सकते हो, और यहाँ पर हमने पंप यूज कर लिया, अपन ने अभी तक अपना पोजिशन यूज नहीं लिया, तो हमको ऑब्वियसली फायदा मिलेगा पंप से, हमें लिक्सर में आगे हो जाएंगे। बट गाइस जो मैंने दिक्कत की बात की थी, इस मैचअप में अपोनेंट के पास है अपना मैजिक आर्चर, मैजिक आर्चर का हमारे पास कोई भी काउंटर नहीं है, उसकी हमें बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी। हालांकि बैंडिंग को काउंटर कर लिया अपोनेंट ने विद द हेल्प ऑफ डार्क प्रिंस, यहाँ पर डार्क प्रिंस फिर से आ रहा है, तो हमें उसको काउंटर करना होगा विद द हेल्प ऑफ रॉयल घोस्ट, रॉयल घोस्ट से हम काउंटर कर लेंगे। और इस बार हम जो है अगर उसका डैमेज ले भी लेते टावर पर, तब भी हमें इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपन ने लेफ्ट हैंड साइड पर हमें ज्यादा डैमेज दिया और राइट हैंड साइड पर जो है कम डैमेज दिया। तो यहाँ पर उसी की बदौलत, क्योंकि अपोनेंट ने हमारा फर्स्ट पंप को नजरअंदाज कर दिया था, हमने अपना सेकंड पंप साइकिल कर लिया, और अभी तक अपोनेंट उसका भी रिप्लाई नहीं कर रहा, तो यहाँ पर शायद हम काइट करना चाहेंगे आइस गोलम से उसके पैकअप, और ये हमने परफेक्टली काइट कर लिया। बॉयज आप रिवर पे ना डालो तब भी आप काइट कर सकते हो, और यहाँ पर जो मैजिक आर्चर को भी हमने पाप बैरल से पूरी तरह से खत्म कर दिया। यहाँ पर हमने यूज कर लिया अपने 3 मस्केटियर्स, अपोनेंट ने काफी अच्छा पॉइजन भी किया है, एंड गाइस पॉइजन होने के बावजूद यहाँ पर आ चुकी है हमारी मस्केटियर, ये अपने बैंडिट बैंडिट कनेक्ट होते हुए हिल स्पिरिट कनेक्ट हो जाएगी, अपनी जो है मस्केटियर वैल्यू दे रही है गाइस मस्केटियर ने, तो तीसरा शॉट और वेल प्लेड मस्केटर भाई, मजा आ गया। किंग भवि क्या ही खेल रहा है, अभी तक दो पंप लगे हुए हैं, अपोनेंट के पास पॉइजन है, अपोनेंट के पास मैजिक आर्चर, दो बहुत ही अच्छा काउंटर, लेकिन अपोनेंट को अभी भी हमने तबाह के रखा हुआ, काफी अच्छे से हम अपने कार्ड के यूज कर रहे हैं, अपने जो है अपोनेंट को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हैं, ये एक मेन चीज है कि अपोनेंट अभी तक हमसे जो है डैमेज में पीछे, हम अपोनेंट से बहुत ज्यादा आगे इस गेम में, और हमारे पंप को कंटिन्यूस इग्नोर करना उसके लिए भारी पड़ रहा है। बस मैं आपको लिटरली बोल रहा हूँ, कंटिन्यू हमारे पंप को इग्नोर कर रहा है, ये उसके लिए बहुत बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि अगर वो 3 मस्केटियर्स को भी डिफेंड नहीं कर पाएगा, और हमारे पंप जो हम एलिक्सर में आगे डाल रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। यहाँ पर काफी तगड़ा पुश आ रहा है लेफ्ट हैंड लेन में, यहाँ हमने यूज ले लिया अपने ही बाउस, यहाँ हमने यूज ले लिया अपना पावर, अपने यूज ले लिया अपना पॉइजन, और अभी भी जो है पूरी हेल्थ का पैका ऑलमोस्ट लॉस आता हुआ, बैंडेड चार्ज कर गई है, हमारा आइस गोलम डिस्ट्रैक्ट कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में आपको दिख जाएगा हमारा जो है रॉयल घोस्ट जाता हुआ, जो अपना पैका है हिट देता हुआ, पैका अपोनेंट ने सेकंड पैका साइकिल कर लिया, और गाइस ये पैका रॉयल चल रहा है यहाँ पर, पैका ही पैका साइकिल हो रहा है, बट गाइस हमारा पंप हमें वैल्यू देते हुए, यहाँ जिस चीज़ की बात कर रहा था मैजिक आर्चर वैल्यू देगा, मैजिक आर्चर हमारे जो है वैल्यूज देता हुआ मस्कीटियर्स के ऊपर, यहाँ पर हमने ई बॉक्स डाल दिया, ई बॉक्स के लिए अपन बस ज्यादा कुछ है नहीं, हील स्पिरिट भी कनेक्ट हो गई थी, तो यहाँ पर हमारी भी ई बॉक्स अभी जिंदा, पावर अभी भी जिंदा, लेफ्ट हैंड साइड में हमने डाल दी अपनी बैंडेड बैंडेड जो है डैश कर चुकी है, यहाँ पर रॉयल घोस्ट भी डाल चुके हैं, हम काफी अच्छा पूछ जा रहा है हमारा अपोनेंट को पैका चाहिए इन सबको रोकने के लिए, अपोनेंट के लिए अपने ईवी अपोनेंट के पास एलिक्सर नहीं, अगर ये रॉयल घोस्ट कनेक्ट होता है तो इससे जी लेफ्ट हैंड साइड पे आ चुके हैं हम अपने ई बॉक्स के साथ, और ई बॉक्स 100% कनेक्ट होंगे, अब अपोनेंट नहीं रोक पाएगा, जैसे जी लेफ्ट हैंड साइड वाला टावर इजिली डाउन हो जाएगा, यहाँ पर बैंडेड डाली थी, बैंडेड तो देखते ही खत्म हो गई, बॉयज राइट हैंड साइड पे बैंडेड कनेक्टेड है, जैसे जी 2 क्राउन गेम हो गया बॉयज, ये एक तरह से राइट हैंड साइड पे ओनली 44 HP बची है, किंग भवि फिर भी गुस्सा करते हुए काफी अच्छे तरीके से ये गेम निकाल दिया, और बॉयज मजा आ गया, लिटरली मजा आ गया। पेका ब्रिज पैम प्लेयर हार्ड काउंटर के साथ उसको विदाउट एनी स्पेल मैजिक आर्चर को रोकना, पेका को रोकना, क्या ही डिस्ट्रैक्ट किया, क्या ही बैंडिट रॉयल घोस्ट का यूज किया, ई बॉब्स ओपी इन द चैट, 3 मस्केटर्स ओपी इन द चैट, क्या ही पंप का यूज किया, मजा आ गया बस पर्सनली। तो चलते हैं अपने लास्ट रिप्ले में बॉयज, और लास्ट रिप्ले है अगेंस्ट कैपिटेओ केवेरना, जो भी है ये खेल रहे अपने रॉयल जायंट ई बॉब्स मदर विच वाली डेक, गाइस 3.6 एवरेज एलिक्सर है और बहुत ही ज्यादा फास्ट साइकिल है, उनके पास है फायर बोल, तो ये वाला मैचअप ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत ज्यादा टफ होने वाला है, बट आपको देखना है कि किंग भवि कैसे हराते हैं। मैं आपको एक चीज इस वाले मैचअप में आपको सजेस्ट जरूर करूंगा कि आपको काउंटर पुश जरूर बनाने पर ध्यान दें, अपने जो है पंप ज्यादा से ज्यादा साइकिल करें सिंगल एलिक्सर में, सिंगल एलिक्सर हम बहुत ज्यादा एग्रेसिव ना खेलें, और जैसे ही डबल एलिक्सर आए
पूरी तरीके से आप एग्रेसिव जा सकते हो विद योर थ्री मस्केटियर्स ड्यूल लेन प्रेशर बनाने पे फोकस करें, जो कि किंग भव्य कर रहे हैं। इन कुछ चीजों पे फोकस करके आप इजीली इस डेक के साथ विन कर सकते हो। काफी अच्छे तरीके से अभी तक किंग भव्य इस मैच में खेल रहे हैं। यहाँ पर जो है हमने डाल दी अपनी बैंडेड ताकि उसकी जो है हील स्पिरिट कनेक्ट ना हो। अपोनेंट यूज कर लिया अपना फिशरमैन, काफी अच्छा फिशरमैन था, बिल्कुल मिडिल में पुल कर लिया हमारे बैंडेड को। बैंडेड दोनों प्रिंसेस टावर की हेल्प से मर चुकी है हमारी, और यहाँ पर जा रहा है अपना गाइस फिशरमैन यहाँ पर अपोनेंट यूज कर लिया मदर विच। और फिर से हमारे एक और प्रॉब्लम है कि उसकी मदर विच को काउंटर करने के लिए हमारे पास कोई भी स्पेल नहीं है। स्टिल हम जो है उसकी मदर विच को काउंटर करेंगे और इस गेम को निकालेंगे। यहाँ पर काफी अच्छा बाबरल था, इस बाबरल की वजह से उसकी मदर विच भी मर गई और जो है हमको उसको काउंटर पुश देने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पर अपोनेंट यूज कर लिया फायर बॉल हमारे पंप के ऊपर, उसे काउंटर पुश का मौका मिलता तो हमको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यार उसकी डेक भी हैवी है, हमारे पास भी ई बब है, उसके पास भी ई बब है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है वहाँ पर। बट गाइस रॉयल जो है उसका रॉयल जायंट को डिफेंड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर एक बार रॉयल जायंट कनेक्ट हो जाता है हमारे पास कोई भी बिल्डिंग नहीं उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें वहाँ पर आएगी। यहाँ पर फिशरमैन के लिए हमने अपना जो है रॉयल गोस्ट डाल दिया, रॉयल गोस्ट पूरी तरीके से डिफेंड कर लेगा। यहाँ पर हमारे पास बाबरल भी अगर मदर विच ज़्यादा कुछ दिक्कत करती, फिलहाल तो अपोनेंट ने पंप यूज़ कर दिया और जानबूझ के गाइस हम पंप जो अपना राइट हैंड साइड में आपको ऊपर की साइड किंग भव्य दिख रहा है राइट हैंड साइड में डाल रहे हैं, ताकि जो है अपोनेंट को बहुत ज़्यादा वैल्यू ना दे। हम फायर बॉल की लेफ्ट हैंड साइड टावर पर वो आ रहा है, तो हम राइट हैंड साइड टावर पर डाल रहे हैं अपना पंप। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, पंप हमेशा ऑपोजिट लेन में लगाना है जहां पर अपोनेंट ने डैमेज नहीं दिया, ताकि अगर अपोनेंट कोई स्पेल यूज लेता भी है तो हमें ज्यादा इतनी ज्यादा दिक्कत ना। और यहां पर बैंडेड डैश होने ही वाली थी बॉयज, फिलहाल तो डैश डैमेज ले लिया फिशरमैन ने, बट गाइस ये जो है इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी हील स्पिरिट, क्योंकि हील स्पिरिट से बैंडेड चार्ज हो गए और चार्ज होते ही उसको जो है चार्ज डैमेज लेना पड़ा फिशरमैन को। बट गाइस यहां पर फिर से मदर विच यूज के लिए अपोनेंट ने अभी तक ना ही अपना आरजी साइकिल किया और ना ही अपना जो है यूज किए हैं ई बब्स। यहां पर अपोनेंट काउंटर पुश पे लगा हुआ, टोटल मदर विच पे फोकस्ड है। फिर से अपोनेंट यूज ले लिया है अपना फिशरमैन और फिर से फायरबॉल यूज ले लिया। देखो मैं जिस चीज की बात करता फास्ट साइकिल है, तो अपोनेंट बार बार फायरबॉल साइकिल करेगा और ये वाली चीज हमको थोड़ी सी दिक्कतों में भी डालेगी। लेफ्ट हैंड साइड में हालांकि हमने एक मस्किटर को सेव कर लिया, अपोनेंट को यूज करना पड़ा अपना लॉग और हमने ई बब्स यूज कर लिया। राइट हैंड साइड में भी काफी इससे पुश आ रहा है विद द हेल्प ऑफ मस्किटियर रॉयल गोस्ट, और रॉयल गोस्ट कनेक्टेड था, काफी ज्यादा अच्छा डैमेज मिल चुका है। आप देख सकते हो 697 इन द राइट हैंड लेन। फिर से हमने थ्री मस्किटर साइकिल कर दिया, अपोनेंट के पास फायरबॉल, काफी अच्छी फायरबॉल अपोनेंट ने कर दी है। ओके सॉरी गाइस, बहुत ही गंदी फायरबॉल करी अपोनेंट, क्योंकि सिर्फ हमारे एक मस्किटर ही टू उसके फायरबॉल से, तो यहाँ पर अपोनेंट ने जो है मिस्टेक कर दी है। प्रेशराइज हो चुका अपोनेंट, अभी तक उसने आरजी तो नहीं डाला था और हमको एक ही पुश में सिंगल पुश में काफी अच्छी वैल्यू मिल गई। फिर से हमने पंप लगा दिया, आप देखते हैं आरजी के साथ जाता है नहीं अपोनेंट, ई बब्स के साथ में आ चुका अपोनेंट एग्रेसिव। शायद उसे नहीं पता कि हमारे पास भी ई बब्स और हम शायद अपने ई बब्स, ओके हमने यूज ले लिया हमने हमारा आइस गोलम, अपोनेंट ने कर दिया फायरबॉल, हमने यूज ले लिया अपना बाप बैरल ताकि हम थोड़ी देर डिस्ट्रेक्ट कर पाते। लेकिन गाइस ई बब कनेक्ट हो गया था, काफी अच्छा डैमेज दिया उसने, हमने बैंडेड डाल के लास्ट जो शॉट उसका रोक लिया। अपोनेंट ने फिर से यूज ले लिया अपनी मदर विच, और मदर विच काफी अच्छा यूज ले रहा अपोनेंट पूरे मैच में, उसने मदर विच के काफी अच्छे प्लेस किए। बट गाइस स्टिल अभी तक एक भी आरजी नहीं डाला अपोनेंट ने, ये वाला थोड़ा सा सोचने की चीज है, अपोनेंट यूज नहीं ले रहा आरजी ताकि हमको ज्यादा वैल्यू ना दे। और यहाँ पर मदर विच वैल्यू दे रही है उसको, हमने हारी जो है दो मस्किटर्स लेफ्ट हैंड लेन में, हारी राइट हैंड साइड में हमने डाल दिया एनी बब्स, लेफ्ट हैंड साइड में जो हमने डाल दिया पाप ताकि हमारे मस्किटर उसके ही बब्स को पूरी तरीके से खा जाए। यहाँ पर हमने रॉयल गोस्ट साइकिल कर दिया लेफ्ट हैंड लेन में और पूरी तरीके से दोनों लेन में हम एग्रेसिव खेल रहे हैं। ये चीज आपको बहुत ध्यान रखना होगा, बहुत ज्यादा खतरनाक इंटेंस सिचुएशन हो जाती है दोनों लेन में एक साथ प्रेशर करना और खेलना। बट गाइस किंग भव्य पूरी तरीके से इस मैच में डोमिनेंस दिखाते हुए फिर से हमने थ्री मस्किटर साइकिल कर दिया यहाँ पर, और जो आइस गोलम डाल के पूरी तरीके से काइट कर दिया अपोनेंट ने, काफी अच्छी फायरबॉल तो कर दिया, हालांकि दो एक ही मस्किटर फिर से फायरबॉल में आई है। बट गाइस हमने ई बब साइकिल कर दिया, अपोनेंट ने लॉग यूज कर दिया है, हमने जो है मस्किट दोनों लेन में फिर से प्रेशर बना दिया है, अपोनेंट दोनों लेन में एक साथ डिफेंड नहीं कर पाएगा। हालांकि लेफ्ट यूज कर दिया फायरबॉल, राइट में हमारे मस्किटर कनेक्ट हो जाएगी, दैट्स ऑलमोस्ट जी, क्योंकि लेफ्ट में भी मस्किटर कनेक्टेड है, राइट में मस्किटर कनेक्ट हो गए थे, राइट में 197 एंड डेथ लेफ्ट मस्किटर ने काम कर दिया खत्म। तो आप देख सकते हो तीनों मैच में ड्यूल लेन प्रेशर ब्रिज स्पैम बहुत तगड़े तरीके से खेले, मजा आ गया मैचेस में, क्या ही खेले किंग भव्य, ह्यूज शाउट आउट टू किंग भव्य गाइस जो हमारे चैनल पे, और मजा आ गया देखने में मैचेस, क्या ही फायर थ्री मस्किटर के मैचेस थे। थ्री मस्किटर्स को काफी टाइम बाद में खुद भी देख रहा हूँ और ये वाली डेक मैं जरूर से ट्राई करूंगा, आप भी क्लासिक चैलेंज या ग्रैंड चैलेंज में डेक ट्राई कर सकते हो अगर आपके पास मैक्स डाउट कार्ड नहीं है। तो इतने ही रखते वीडियो में बस, जो मैंने मेक श्योर टू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, मिलता हूँ आपसे अगली इसी तरह की मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, पीस आउट।